पहले भी कहा था, लेकिन ये गलत परंपरा शुरू हुई है। कार्रवाई हुई है तो मात्र दो सिपाही को निलंबित किया गया, मात्र दो सिपाही। आप सब होशियार हैं, बिहार की जनता, देश की जनता होशियार है, क्या सिपाही अपने से विधायकों को बूट से पीटेगा? यही नीतीश कुमार जी का चरित्र रहा है। बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, बड़ा बड़ा अपराध हो जाता है, छोटी मछलियों को पकड़ो और बड़ी मछलियों को बचाने का काम करो। सब लोग जानते हैं कि भाई बिना नीतीश कुमार जी के इशारे पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, मात्र दो सिपाही जो लोग विधानसभा के अंदर जो पत्रकार भाई लोग भी थे, उनकी भी पिटाई की गई, मीडिया की भी पिटाई हुई, हमारे पास फुटेज भी है। लेकिन याद करना चाहिए कि भाई आखिर एक ऐसा एमएलसी कौन है जो सफेद बाल सफेद दाढ़ी वाला है, जो कि एक अधिकारी है नालंदा मॉडल के, नालंदा मॉडल के अधिकारी, उनपे कार्रवाई नहीं की जाती है। और वो सफेद दाढ़ी वाले सफेद बाल वाले एमएलसी साहब किसका ऑर्डर लेकर के फलना अधिकारियों को बताते थे? ये तो बात जो है, ये देखिए लोकतंत्र का मंदिर है, और जहां विधायकों को पीटा जा रहा है विधानसभा में, तो विधायकों की क्या मर्यादा रहेगी? क्या मान सम्मान बच गया? इसलिए हम सब लोग आज यहां बैठे कि भाई कल पूरा जो सत्र है, मॉनसून सत्र चलेगा, छोटा सत्र होता है, पहले दिन हम चाहेंगे कि सभी विपक्ष के लोग जो है अपनी बात रखें। उस दिन क्या हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? और हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिनके इशारे पे ये सब कुछ हुआ, वो सदन में खड़ा होकर के इस काले दिन के बारे में बताएं कि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं, क्यों उनको क्यों रोका जा रहा है। अब भाई सब लोग इतना समझते हैं कहीं भी कोई समिति में चला जाए, क्या चला जाए, लेकिन जो सरकार चाहती है, और सरकार कौन है, मंत्री की तो पूछ ही नहीं होती, मंत्री खुद रो रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, तो नीतीश कुमार जी सदन में खड़ा होकर के जवाब दें और माफी मांगे, और ये भी वादा करें कि दोबारा ऐसी घटना विधायकों के साथ नहीं होगी। तो ये हम लोगों की मांगे, फिर कल देखते हैं सदन में क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर से मिलते हैं। हम लोग अगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो फिर क्या करते, फिर निर्णय लेंगे, माफी नहीं मांगेंगे तो माफी मंगवाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, हमारे पास बाकी एक ही ऑप्शन है। और एजेंडा क्या होगा तेजस्वी जी, एस्टेट को लेकर सरकार काफी ज्यादा घिर चुकी है। हम तो देखिए उस दिन भी सदन चाहते थे चलना, लेकिन सरकार को किस बात के आश्रय में, जो काला कानून जो लाए थे कि बिना वारंट के उठा लेंगे, बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में कुछ भी कर लेंगे, तो भैया मैं सरकार चाहती है, असल में हड़बड़ी किस बात की, कौन सी बात की जिद थी? विपक्ष के लोगों के साथ बैठ जाते, चर्चा कर लेते, कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता तो उसको संशोधन कर करके फिर से पेश कर दिया जाता, फिर मॉनसून सत्र में आ जाता, या एक दिन और बढ़ा लेते। लेकिन रात तक घसीटा गया क्यों? यानी सरकार यही चाहती कि ऐसी घटना हो, और विधायकों को जिस प्रकार से पीटा गया, कई तो दलित विधायकों को मारा गया, दिल्ली तक जाके लोगों ने इलाज कराया। एसटीटी मामले पर क्या सरकार को घेरेगी? अरे हर मुद्दे पे तो हम लोग बोल ही रहे, आप तो पढ़ते। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।